नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। और कितना दर्द देगा लॉकडाउन? देश में कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी त्रासदी शायद उम्र भर हम कभी भूल नहीं सकेंगे। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति प्रवासी मजदूरों की है, जो लॉकडाउन के बाद कई 100 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने पर मजबूर हो गए हैं। यह कहानी ऐसे ही एक मजदूर परिवार की है, जो 13 अप्रैल से तेलंगाना के काजीपेट से पैदल यात्रा कर 500 किलोमीटर दूर चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी पहुंचे हैं। यह सब अपने घर जा रहे हैं, जो गोंदिया जिले में है। चंद्रपुर जो गर्मी में कितना गर्म होता है हम सभी जानते हैं, और उस पर बेमौसम बरसात की मार और रात का अंधेरा, आप ही सोचिए। अगर ऐसे मौसम में आपको पैदल चलना पड़े, वो भी कुछ खाए बगैर, तो आपकी क्या स्थिति होगी? मगर यह पूरा परिवार ऐसी अवस्था में पैदल चलने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में गोंडपिपरी के वढोली में किराना दुकान चलाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता का ध्यान इस परिवार की तरफ गया, और उन्होंने इस पूरे परिवार के लिए खाने पीने और आराम की व्यवस्था कर दी। जिल्ह्याची आहो आम्ही, काजीपेटला तिकडे कोणी सिकंदराबादला कोणी कुठून आले कामावरून। आता आम्ही 4-5 दिवस झाले आज तिथून निघलून, तर आम्हाला खायला काही नाही। आम्ही पायी येत आपल्या घरी जायसाठी। लॉकडाऊनच्या याच्यासाठी आम्ही वाट पाहिलं 14 तारीखपर्यंत, पण काही खुलला नाही। तर मग आता आपल्याला काही जरिया नाही, आपण काय करू? आपला परिवार सगळं तिकडे आहे ना, आम्ही इकडे, आम्ही कसे काय राहू शकतो? म्हणून आम्ही त्यानिमित्त निघलो पायी। आता हा गाव कोणता होतं, नाव तर तेवढं आपल्याला लक्षात नाही आहे, पण इथं गावचे कोणतं गाव आहे, वडोली गाव। याच्या काही जे सहकारी लोक आहेत ते त्या लोकांना आम्हाला जेवणला दिला पोटाला, आणि थोडा आराम करायला मिळला, विश्रांती मिळली, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। आता आम्हाला बस समोर जायचं आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने संचारबंदी व लॉकडाऊन जाहीर केलं, असं असताना अनेकांच्या हातचे रोजगार गेलेले आहेत। गोंदिया जिल्ह्यातील 20-25 मजूर तेलंगणा राज्यातील काजीपेट येथे काम करत असताना त्यांच्याकडे असणारा अन्नसाठा हा संपला, आणि त्यानंतर त्यांनी आधार कार्ड घेऊन तिथल्या प्रशासनाकडे मदत मागितली, परंतु त्यांना अन्नधान्य न मिळाल्यामुळे त्यांनी जवळपास 300 किलोमीटर पैदल प्रवास करून आज गोंडपिपरी तालुका गाठलाय। गेल्या 6 दिवसापासून ते पैदल प्रवास करत होते, आणि त्यांच्या ज्या वेदना होत्या त्या मी आज जाणून घेतल्या, आणि त्यांना आज आम्ही वडोली येथील माझ्या मित्र परिवाराने जेवणाची व्यवस्था करून व दुपारच्या नाश्त्याची व्यवस्था त्यांना पार्सल स्वरूपात देऊन त्यांना आम्ही आज त्यांना पाठवलेलं आहे, व ते आता गोंदियाकरिता पुन्हा पैदल निघल्या। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।